पूछ क्या रही हो? इसी सबसे पूछ रहे क्या, क्योंकि फोरकोबाज ने तो ऐसे बोला गया कि मणिपुरम की माँ का मनन से पूरा परिचय देने के बाद तो औरों को भी यदि हम परिचय देते हैं मातृका का तो हमको पूरा पूरा देना है। अभी किस तरीके से दिया, किस तरीके से दिया जाए? जगदम्बा का भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। क्यों नहीं जगदम्बा का इंट्रोड्यूस करेगी? जब जगत पिता उसको अपना जगदम्बा मानता है तब तो वो जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा है। फिर लिखाओ, दोनों का भी परिचय देना है। हाँ, दोनों का ही परिचय देना, क्यों नहीं देना? जगत पिता है तो जगत पिता के साथ जगदम्बा नहीं है, है तो परिचय दो। हाँ, शिखंड एक में मैंने पढ़ा था ना, पॉइंट था कि क्या बोलते हैं कि पहले पहले त्रिमूर्ति का भी संज्ञान देने चाहिए। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा का पहले परिचय तो हम सुबह फिर आत्मा परमात्मा से शुरू करते हैं, तो उसमें हमको त्रिमूर्ति का परिचय पहले देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? बाप का ही तो परिचय देना है। आत्मा परमात्मा का मतलब आत्मा का पहचान ही ना होगा, फिर परमात्मा का पहचान ना होगा, फिर मात पिता को फिर कैसे पहचान? परमात्मा आत्मा नहीं है, आत्मा है बाबा। ये है बात, मतलब आत्मा परमात्मा का परिचय देने के बाद फिर त्रिमूर्ति को उसी में परमात्मा की परिचय देते हैं ना, तब त्रिमूर्ति का ऐसा। अरे बिना आत्मा के परमात्मा हो जाएगा? फिर देना पड़ेगा ना, वही पहले आत्मा परमात्मा का परिचय, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का परिचय देना ही त्रिमूर्ति का परिचय देना है, उसी में कंटिन्यू कर सकते। और क्या, आत्मा का परिचय नहीं देंगे तो परमात्मा कैसे साबित हो जाएगा? परम पिता भी साबित नहीं होगा, प्रजापिता भी साबित नहीं होगा। परम पिता परमात्मा शिव का परिचय देना है तो आत्मा का तो पहले परिचय देना पड़ेगा, और बाबा ने बोला जैसे अभी जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है बेटी के लिए, हाँ जितना बाबा ने उसके बारे में कंफर्म किया है चित्र के बारे में उतना ही समझाने के लिए बोला ना, माया के मतलब देर के घर चित्र बनाया गया है। ठीक है, लेकिन पात्र प्रदर्शन किताब हम लेके फिर नहीं जाना है। किसने, बाबा ने बोला? नहीं नहीं, तो देखा चित्र आते हैं। बाबा ने क्या बोला है कि पात्र प्रदर्शन किताब लेके जाओ? फिर चार चित्र में दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। मैंने वही अभी एडवांस में जो चपी गई है अनुति इसरे उसको ही लेके गए, उसकी आदत पड़ी करना। और क्या, ये भी बोलते हैं कि भर्ती के लिए बोले जाते हैं जब तुरंत माना तुरंत से तुरंत भर्ती करेंगे तो अच्छा, जितना जल्दी भर्ती करेगा तो उतना जल्दी उतना अच्छा फायदा है। कोई जरूरी थोड़े ही माना आत्माएं आते हैं तो क्या कहते, पहले तो कोर्स होता है, कभी कभी इधर क्या होता है जब जाते हैं कोर्स करके जाते हैं, लेकिन वो इच्छा निश्चय बुद्धि मतलब उसके बारे में पूरा पहचान भी नहीं होती उनको। कोर्स करने के बाद फोर्स आया नहीं, भर्ती करने के लिए जाते हैं जाने के टाइम इधर समय देते हैं वो। कोर्स करने के बाद उनको फोर्स आया, पाँच से घंटे का टाइम मिलता है, दो घंटे का टाइम मिलता है, फिर हमको कोर्स कराते हैं, फिर कैसे पता चलेगा? जिसको फोर्स आएगा वो बाप से मिलने की जिद करेगा, हमें बाबा से मिलाओ। उसके लिए तुम कहोगे कि साप्ताहिक कोर्स करना पड़े, उसके लिए तुमको आपको भर्ती करना पड़े, नहीं तो बाबा नहीं मिलते हैं, कहेंगे हम वो भी करेंगे, सब करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसको फोर्स नहीं आएगा वो भर्ती अच्छी कुछ भी करने के लिए तो भाग जाएगा। ये भी एक बात है, कोई कुछ इस तरह से है मना, बस अभी अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक आत्मा क्या किए कोर्स करने के लिए आए तो कोर्स भी कराया, लेकिन पता नहीं तो उनका उद्देश्य कुछ और था, भर्ती भी करने के लिए तैयार हो रहा है। तुमको परखना है ना, लेकिन वो कैसे हमको पता चला? अभी तो
कुछ बातों में अभी पता चल रहा, लेकिन वो परख शक्ति होनी चाहिए ना इतनी, मतलब देखने से ही परख। हाँ, परख शक्ति और निर्णय शक्ति, ये दो शक्तियाँ आत्मा में बहुत जबरदस्त शक्तियाँ काम करती हैं। तो पावरफुल आत्मा होगी और दो शक्तियाँ पहले उसमें काम करेंगी शुरुआत से। फिर बाबा कोई आत्माएं कोट करने के टाइम ऐसे शास्त्रों की बातें बहुत उतारते हैं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं हमने ऐसे करते हुए देखा, मैंने कोई ईंट पत्थरी खा के वो जिंदगी जी रहा है, तो उन और बोलते हैं जादू मना रहे थे, ईंट पत्थर खा के कौन जिंदगी जी रहे, ऐसे बोल रहे थे, लेकिन बोल रहे हैं नहीं, हमने खुद आंखों से देखा है क्या कि पत्थर खा के जिंदगी जी रहा था, कैसे है? पत्थरों में से, पहाड़ों में से टिड्डी निकलती है, उसके लिए तो कह सकते हैं कि हाँ टिड्डी जो है वो पहाड़ों के अंदर पत्थर चाटती रहती है और जिंदा रहती है, लेकिन मनुष्य जिंदा रहते हैं तो कोई प्रूफ नहीं है कि पत्थर खा के आदमी जिंदा रहता है। फिर ये लोग तो जो करते चले, कोई कोई होते हैं ना, वो लोग ट्यूबलाइट खाते हैं, ट्यूबलाइट खाते हैं, ट्यूबलाइट भी खाते हैं बाबा जी, खाए गए तुमको दिखाते हैं, जिंदगी भर के लिए ट्यूबलाइट उनका भोजन नहीं होता है। बाबा ये टिड्डी दल एडवांस में बना, टिड्डी माने एक तरह का कीड़ा होता है इतना बड़ा, जो पहाड़ों में से निकलता है और ढेर का ढेर निकलता है, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में कीड़े निकलते हैं और उड़ते चले जाते हैं और कहीं फसल पर जाके बैठ जाते हैं, सारी फसल खत्म, भुट्टा हो सारे दाने चबा जाएंगे, गेहूं है सारा गेहूं खा जाएंगे, चावल है चावल के सारे दाने खा जाएंगे, यहाँ भी ऐसे होता है, ढेर के ढेर निकल पड़ते हैं डिस्टर्ब करने वाले, हुजूम की हुजूम, मैंने वो तो इसका से निकलते हैं और क्या, अभी मैंने आने वाली छुट्टी की बात की या ऑफिस की बात, तो आने वाली छुट्टी की बात की या क्यों, तो नथान में टिड्डी दल नहीं निकला था, हाँ विष्णु पार्टी का थे, कितनों को खा गया है ये और एक बात है कि तांत्रिक विद्या जो है उसने ये दिखाया जाता, माना ये साबित करते हैं वो लोग, कोई आत्माएं कहीं रहते हैं तो वो चित्र भेद देख लेते, माना कोई एक एक आत्मा उसको देख लेते, वो कैसे होता है बाबा, माना फिल्म जैसे वो लोग देख लेते हैं, तो क्या हुआ, तो कैसे दिखता है उन, कैसे दिखता है, जो भूत प्रेत विद्या, भूत सीखने की तुम्हारी बिल है, नहीं माना हम छोड़ दो वो बात नहीं बाबा, क्वेश्चन करते हैं ना, क्या क्वेश्चन करते हैं, आत्माएं जो क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ वो भूत प्रेतों को सिद्ध करके उनके द्वारा देखते हैं, उनकी आंखों से, अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, भूत प्रेतों को अपना शरीर नहीं होता है, वो अभी अभी यहाँ है और अभी अभी उनसे कहो वहाँ की बात देख लो तो एक सेकंड में वहाँ जाकर सारी बात देख जाएंगे, तिजोरी के अंदर कितने नोट पड़े हुए हैं वो भी देख करके बता देंगे, लेकिन सब नहीं, कोई तीखे होते हैं बुद्धि के, कोई बुद्धि के ज्यादा तीखे नहीं होते हैं, तीखे होते हैं तीखा काम करते हैं, इनको याद कैसे रहता है बाबा, अगर दूसरे लोग इनके ऊपर से करेंगे तो जो माना शरीरदारी जो होता है उनको याद कैसे रहता है, क्या कैसे रहता है याद, जो उनके आकर के अंदर जब प्रवेश करके बोलते हैं तो कुछ बात उनको याद रह जाती है, कुछ बात याद नहीं रहती, बाबा ये सूर्य में सर्प निकलते हैं, सर्प निकलते हैं जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उनको मारना नहीं चाहिए, और बहुत लोग तो उसको मार देते हैं, तो इसको बेहद में आते कहते हैं, आप तो विकारी होता है, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, आप तो विकारी होता है, सांप निकलेगा तो काटेगा भी, तो काट सकता है कि नहीं काट सकता है, तो मनुष्य की जिंदगी बचाव के लिए सांप को मार देना ठीक है या घर में छोड़ देना ठीक है, डर लगा रहेगा, नहीं
पता नहीं कब बच्चों के ऊपर हमला कर दे, हमारे ऊपर हमला कर दे, सोते समय हमला कर दे। तो घर में अगर सांप है तो मार देना ही अच्छा या पालना अच्छा? देख देख, अच्छा सतेरे को ही बनाने दो अपना है। देख बाबा भी इसका प्याला पिया है, तो बाबा भी इसका प्याला नहीं लाए तो बाबा भी तुम्हारे बच्चे में जानवर जो आत्मा है हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। कमाल है, तुम्हारे तेरे अंदर कीड़े मकोड़े प्रवेश करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हैं क्यों? ओ, हजार पांव वाला वो कीड़ा तेरे अंदर तो नहीं प्रवेश करता है? भेद की बात, जो जिस बीज की जो जिस जाति का होगा उसी में प्रवेश करेगा है? पपीता आम के पेड़ में कैसे प्रवेश कर जाएगा? बा भैया बाबा कृष्णवाली जो सोल होती है उसको कहते हैं ना ज्यादा पतित बनती है ना ज्यादा पावन बनती है, तो मतलब श्याम और सुंदर क्यों कहा गया? वो कृष्ण है, वो तो झूठा कृष्ण है। असली कृष्ण तो राम वाली आत्मा है जो अति की अपवित्र बनती है और उसी शरीर से अति की नारायण बन जाती है। तो सच्चा कृष्ण झूठा कृष्ण का तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है? ब्रह्म कुमारी को क्या समझाओगे है? गीता का भगवान कौन है? कौन सा कृष्ण गीता का भगवान है? हाँ तो संगम जी कृष्ण है गीता का भगवान है? और उसमें पुरुषोत्तम संगम जी कृष्ण गीता का भगवान है या साधारण संगम जी कृष्ण गीता का भगवान है? है? बोलो है। हाँ देखो बोला ये अपने बीच में टांग उजेड़ देते हैं, दूसरी की बात नहीं समझ में आई। हाँ क्या हुआ? हाँ पावन बनती है तो कौन है कृष्ण की सोल? कौन है जो श्याम बनता है अति का 100%? ब्रह्मा बाबा 100% श्याम बने बने, फिर तो श्याम कहाँ है? वो तो कितने अच्छे थे, उनकी बुराई किसी ने सुनी देखी? फिर उनको श्याम क्यों कहा? गया ही नहीं। श्याम कौन है? श्याम है बढ़िया, तो श्याम भी है तो सुंदर बनेगी कि नहीं? उससे ज्यादा कोई सुंदर बनेगा? तो वो सबसे ज्यादा सुंदर ही बनता है, ऐसा ही बनता है। बस सबसे अच्छा याद जो होती है नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, लेकिन नारायण जो संगम में अंत में तो ये वो प्रतिष्ठा होगा ना नारायण का, तो अभी थोड़ी हुई प्रतिष्ठा, अभी हम पता ही नहीं ना। 76 में तो हुआ लेकिन हुआ वो तो गुम हो गया, वो तो दुनिया भर की उसकी तो बुराई निकल पड़ी, जेल में चला गया नारायण काय का अखबार में उसकी उसके जो नारायण के लिए बात निकल गई है नारायण वाली आत्मा है, लेकिन तुम क्यों बोल रही? प्रश्न उसका है ना कि तुम्हारा है? हाँ तो मुझे बोल रहे सभी लोग तो अभी तो मान नहीं, अभी तो नहीं मान रहे ना, हम मानेंगे ना, सभी लोग मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं।
सारे लोग थोड़ी मान रहे, जो दूसरे धर्म के बीज होंगे वो थोड़ी मानेंगे, जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो। इसका मतलब नारायण को याद करना, मतलब देवी देवता आत्माएं जो होंगे वो याद, जो उस धर्म के नहीं होंगे वो उसकी ग्लानी करेंगे या याद करेंगे, ग्लानी करेंगे, उन्हें थोड़ा भी कहीं देखने को मिल जाएगा नुक या कोई बात ऐसी, फटाक से घुस जाएंगे, ग्लानी करना शुरू कर देंगे। ये देवी देवता सनातन की पक्की सूर्यवंशी आत्माएं होंगी, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल लेंगे, बता रहे उनकी ये बुद्धि में थोड़ा ही आएगा कि नारायण नारायण है ही नहीं इस दुनिया में, उन्हें नारायण दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा। अरे नारायण सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, तो नारायण है तब याद करेंगे, नारायण है ही नहीं तब याद करेंगे है। लेकिन बाबा भी तो कभी कभी मन से बोल रहे ना, क्या बोल देते अभी तो पुरुषार्थी नहीं, तो क्या है रामबाली आत्मा। लेकिन नारायण तो पुरुषार्थ संपन्न होगा तभी तो नारायण का टाइटल मिल जाएगा। वो तो ठीक है, जब होगा तब होगा, जब होगा तब होगा, अभी तो नारायण नहीं बन गया। अभी पति तमो प्रधान है कि पावन है? तमो प्रधान तो है, तमो प्रधान तो है, तमो प्रधान पति तमो प्रधान तो है, तमो प्रधान से कहीं ऊंचे उठ रहा है ना। हाँ ऊंचा उठ, ऊंचा उठ रहा है, लेकिन जब तमो प्रधान दिखाई पड़ रहा है, पति कर्म करते हुए हमें देखने में आ रहा है, तो हम उसको नारायण क्यों माने? लेकिन मैंने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हमारे करने वाला सुबह नहीं है, खराब काम करता है, जो भी करते हैं, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट की पता कैसे चले तो सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है कि नहीं करता? मुल्ली क्या आधार पर, मुल्ली क्या कहती है, मुल्ली ने कहाँ आधार पर, मुल्ली ने कहाँ कह दिया इस आदमी में सेवा बाबा आता है? कोई मुल्ली में कहा कि इस आदमी में सेवा बाबा आता है? कौन है शंकर? ये है कि ये है कि ये है कि वो है कि कौन है, कैसे पता है? फरुखाबाद में ढेर सारे आदमी रहते हैं, पता नहीं कौन सा, तो ढेर सारे आदमी है ना फरुखाबाद में। अरे ढेर सारे लोग हैं फरुखाबाद में, कितने लोग हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ों, लेकिन काम में तो क्लियर हो ही जाता है ना। क्या क्लियर हो जाता है, कब कहते नहीं काम में क्लियर हो जाता है, है? किस तरीके से? हाँ वही तो, वो तरीका नहीं मालूम है इसीलिए तो नारायण नहीं मालूम है, और तरीका मालूम हो जाएगा तो नारायण का भी पता चल जाएगा। 76 में नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई, कितने के सामने, कितने लोगों के सामने, कितने लोगों के सामने प्रत्यक्ष हो गई थी, है? कम से कम कितने लोग, है? है? अच्छा 100 लोगों का संगठन बना दिल्ली में, ठीक है, जिन 100 लोगों का संगठन दिल्ली में बना उनकी आज हालत क्या है, है? तो फिर तो नारायण को उन्होंने पहचाना, पहचाना फिर तो ना नारायण रहा ना नारायण को पहचानने वाले रहे। नारायण को पहचानने की विधि, विधि तो भगवान बताता होगा, लेकिन बाप का प्रत्यक्ष होने का जो डेट बताया है वो 76 की बताया है ना। हाँ हाँ 76 में बाप भी प्रत्यक्ष हो रहा है, नारायण भी प्रत्यक्ष, वो तो आद्यवाणी में बोला बाबा, वो तो विदर्भ में आत्मा साबित हो गए ना। कौन? मैंने जो नारायण को अभी याद कर रहे हैं, नहीं करके फिर भूल मना कर रहे हैं। हाँ 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 सारे के सारे, अच्छा ठीक है,
क्योंकि बाबा ने अभी बोले ना कि अच्छा ना तुम देखो तो कर्म वाले वही तो ये करेंगे। हाँ हाँ सही बात है। और उसकी बात ही तो हल नहीं हुई। नारायण की याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। किस तरीके से मैंने किस हिसाब से बोला गया नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ। नारायण को पहचानेगा कौन बनेगा नारायण तभी तो किसी ने कहते ये बनेगा उसके बारे में दुनिया भर की आप बातें आ गई। ये तो ऐसा है वो तो वैसा है ये ऐसा करता है वो वैसा करता है। क्या इशारा दिया है क्या अनुभव है तुम्हारा तो अपना अनुभव कैसे बताओगे लोगों को। अब घूम रहा है उसने गुड़ खाया उसे पूछो कैसा है गुड़ क्या बताएगा बेचारा बताएगा बताओ तो घूम गए हो। अरे रुद्रवाला के मणके लूले लंगड़े गूंगे काने कुब्जे यानी पता नहीं कैसे कैसे होते तो तुम गूंगे हो तुम बता नहीं सकते। कि नारायण कैसा होता है हाँ किसकी दाना बाबा ने बोला ना हाँ हमारे अंदर कमजोरी है पहचान नहीं दे पा रहे तो खुद नहीं पहचाना होगा तभी दूसरे को नहीं दे सकते। अरे जिसने पहचाना होगा दूसरों को पहचान नहीं दे सकेगा दुनिया तो प्रूफ तो मान लेंगे ना। हाँ। हम तो मतलब कोई ऐसे है भावना के आधार पर मान लेंगे। हाँ ब्रह्मा बाबा को भावना के आधार भगवान मान लिया कि इनमें भगवान आते हैं कोई प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा में भगवान आते थे। मुरली तो दुनिया भर के जितने गुरु सब मुरली चलाते हैं कोई गुरु ऐसा है धर्म गुरु जो मुरली नहीं चलाता। और गुरु तो अपने आप को शिव कहते हैं लेकिन जो ब्रह्मा बाबा खुद अपने को कहते थे मेरे अंदर शिव बाबा आता है मैं ब्रह्मा की कहूँ शिव हम ब्रह्मा की बाबा ये बात कैसे साबित होती है ब्रह्मा खुद अपने को शिव बोलते हैं मतलब शिव कहते हैं कहते नहीं कहते मेरे अंदर शिव बाबा आता है मैं शिव बाबा को नहलाता हूँ मैं शिव बाबा को खिलाता हूँ शिव बाबा को खिलाता हूँ वो तो शिव बाबा को खिलाता हूँ लेकिन क्या नहीं क्लियर हुआ है। अच्छा जिसको क्लियर होगा वही तो दूसरों को सुना सकेगा समझा सकेगा। सबसे अच्छा बाबा ने तो मुरली बोल दिया सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना तो नारायण को पहचानना पड़ेगा ना तभी तो नारायण को याद करेगा। खुद ही नहीं पहचाना होगा तो दूसरों को पहचान कहाँ से लेगा कहाँ से याद कराएगा। पहचानने के बाद डरता डरता नहीं है कोई कोई लड़खड़ा देता है, है? भगवान बाप आया हुआ है भगवान बाप हमें पालना दे रहा है फिर कोई आता है कहता अच्छा क्या प्रकार लोगे हाँ तुम्हारी मर्जी दे दोगे तो ले लेंगे तो भगवान साबित हो गया ना फिर आया कि नहीं आया। अरे भगवान बाप आ गया है तो भगवान बाप से पालना लेगा कि दूसरों से पालना लेगा वो देगा तो उसकी चीज याद आती रहेगी वो आदमी याद आता रहेगा भगवान तो भूल जाएगा दूसर को याद हरदम आ जाता है माता जी लाख चक्की की एक बात कही भिक्षा देना चाहिए कि नहीं हाँ भिक्षा देना चाहिए और पैसा और सामान ऐसा सामान जो जाते घर घर तुम पैसा दे और वो शराब जाके पी ले तो
तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा ना, तुम बता तो दिया, तुम पैसा दोगी और वो दुकान में जाके पैसे शराब पी के गाली गलौज करेगा, घर वालों को बच्चों को पिटाई करेगा, तो उसका पाप किसके ऊपर पड़ेगा? फिर अच्छा सकार रस का ख्याल रखने के लिए माता तो रामावादी है, बाबा को कुछ न कुछ खिलाने के लिए पिलाने के लिए आते, लेकिन बाबा का रस का ख्याल रखने के हिसाब से टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, उससे माता दुखी होती है, तो ऐसा करने से कुछ माता या सब भी बोल देती है, मतलब कुछ माता दुखी होकर के अब सब भी बोल देती है, तो ऐसा मैं माताओं के साथ बदवा लग ही रही है, हमें लग रही है, एक तो हम तो इस हिसाब से माताओं को रोक रहे हैं कि मना कि सर अभी बोला गया है कि सर मैं जिस तरह में प्रवेश करता हूँ सर वो तन तो टूटा फूटा है, तो हम तो सर उस तरह का ध्यान रखना पड़े ना, लेकिन माताएं तो भावनावादी हैं, तो क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ खिलाने के लिए पिलाने के लिए लेके आते हैं, लेकिन बाबा का तो इलाज चल रहा है, परहेज चल रहा है, तो थोड़ा कंट्रोल करना है ना, इस सब से हम रोकते टोकते भी माताएं नाराज होती हैं, तो पहले से पढ़ाई पढ़ा के रखो ना, तो वो सुनते कहाँ है बोलते हैं उनको पहले से पढ़ाई पढ़ा के रखोगे कि तुम्हारा बच्चे को लीवर खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि जो लीवर खराब है उसको अगर घी खिलाओगे या घी की या तेल की तली हुई कोई चीज खिलाओगे तो मर जाएगा बच्चा, मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, माता उस बुद्धि में बैठेगा कि ऐसे ऐसे पथ्य बताया हुआ है तो क्यों खिलाएंगे, फिर तुम माताओं को यही नहीं सिखलाते कि शिव बाबा तुम्हारा बच्चा है, बोलने पर बच्चा तो है लेकिन बच्चे को लिए प्यार, बच्चे के लिए जो प्यार होता है उसको दिखाए हम, तो बच्चे को तो कोई माता ऐसी होती है कि अपने बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने मना कर दिया है इनको घी मत पिलाना क्या, और वो घी उसको पिला देगी, मना करने पर भी, अरे मना पर भी तो वही करते हैं, कोई अपने बच्चे को खिलाती है क्या, अरे की तो अच्छा कोई अपने बच्चे को खिलाती है क्या, नहीं जो डॉक्टर ने चीज मना कर दी वो खिलाती है, आपको तो खिला देते हैं, तो तुमने नहीं समझा पाया ना कि तो माताओं को अपना बच्चा बनाना चाहिए, क्या नहीं होता है वो बुद्धि में बैठा हो कि माताओं को पहली धारणा ये कर रही है कि शिव बाबा के साथ जब संबंध जोड़ने की बात आती है तो पहले अपना बच्चा बनाना है, बच्चा बनाना पड़े, अगर बच्चा नहीं बनाएंगी तो पुण्य नहीं बनेगा, पाप ही पाप बनता रहेगा, माताओं के लिए खास धारणा है क्या, शिव बाबा के साथ कौन सा संबंध जोड़ना, बच्चा और माँ का संबंध जोड़ना पहले पहले, तो तुम बुद्धि में बैठाती नहीं हो, जो खुद धारणा बुद्धि में बैठी होगी वही दूसरों को सिखाएंगे, अरे हमारे अंदर चोरी का गुण है, चोरी के हम बहुत से तरीके जानते हैं तो दूसरों को क्या सिखाएंगे, चोरी करना बड़ी जल्दी सिखा देंगे, है सीधी सी बात, फिर जबरदस्ती दूंगा बाबा ये नहीं सब बांटो निकलो बाहर बांटो, उनको बेचारों को बुरा लगेगा, उनको पहले समझाओ ये तुम्हारा बच्चा है, रुकने को तैयार कहाँ है, एकदम टूट पड़ते हैं, पहले से ही समझा के रखो, बाबा बोलते हैं कि बाबा को क्या बोलते हैं, इतने दिनों के बाद आते हैं मिलने भी नहीं दिया जाता है, रोका जाता है, रोका जाता है, एक माता जी है जिनका धम्मा जी की माता जी बूढ़ी नेपाल गांधी में उसके बेटी ने भर्ती करने के लिए तैयार है, वो एक दिन सड़क थी कि हमें गीता पाठशाला में आई हमने मना कर दिया, डराती क्या है, गीता पाठशाला में डराती क्या है, भर्ती करने के लिए तैयार था, और एक दिन डराती क्या है, हमने आई थी तो मना कर दिया, आप टाइम में पहले तरफ छोड़ तब जाएंगे, बोले कि अभी तक मुझे उसी तरफ नहीं छोड़ा, उसके लाने चाहिए था कि नहीं, शराब वराब पीने वालों को घुसने नहीं देना, हमें घुसने नहीं दिया, गीता पाठशाला में नहीं आने देना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे माता कोई जो बाबा,
कृष्ण के लिए बोला जाता है, शिव बाप के लिए भी सलोना है प्यारा, मतलब प्यारा है, और प्रजापिता का वाले आत्मा के लिए भी प्यारा है, मतलब दोनों के लिए भी प्यारा है, लेकिन प्रजापिता वाली आत्मा तो पुरुषार्थ आत्मा है ना, फिर शिव बाप के लिए कृष्ण वाली आत्मा क्यों इतना प्यारा हो जाता, मतलब प्रजापिता वाली आत्मा क्यों है? जो कृष्ण वाली सोल जो है वो दोनों के लिए भी सलोना है प्यारा है बोलते हैं, प्रजापिता वाली आत्मा के लिए राम बाप। हर बाप अपने बच्चे को अपनी जान से प्यारा समझता है कि नहीं? घर में आग लगेगी तो पहले अपने को बचा के रखेगा कि पहले बच्चे को बचाएगा? किसको बचाएगा? बच्चे को। प्राण की बाजी लगा करके भी पहले बच्चे की सुरक्षा करेगा, तो बच्चा जो होता है बाप के लिए प्राण कहा जाता है, तो प्रजापिता के लिए कृष्ण बच्चा प्यारा है, ये तो ठीक बात है। लेकिन शिव बाप के लिए भी तो वही प्यारा है, तो क्या बोल दिया, मतलब उसके लिए भी तो प्यारा बच्चा है। शिव बाप के लिए वो बच्चा नहीं है पहले, क्या और सब आत्माएं शिव बाप के लिए बच्चा है? और सब आत्माएं बच्चा है, लेकिन शिव जब ऊपर से आता है तो उसके साथ पहले पहले क्या संबंध जोड़ता है? जिसमें आया तो पहले क्या संबंध जोड़ा? बन्नी बना। तो फिर वो बन्नी है या बच्चा है? फिर पांच तत्वों का आधार लेना पड़े ना, तो प्रजापिता पांच तत्वों का चोला है, तो पहले क्या है प्रजापिता? बन्नी है। बाबा ये मुरली के टाइम मना मुरली पढ़ते जाते हैं, मना मुरली का क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, बीच में मुरली में नोट भी किया जाता है, मना वो ब्रह्म वाले आत्मा करते हैं नोट करते हैं ना, जब चलाते हैं तो क्या बोलते मुरली में अंडरलाइन करते हैं, तो वो कौन से सोल कर रही है ये पूछ रहे हैं, कौन सी सोल करते हैं? अभी सिंह बात तुम्हारी सगाई हुई है, शादी से तब होगी जब विष्णुपुरी में जाएंगे, विष्णुपुरी अब तो कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी नहीं होती है, वास्तव में बुद्धि की स्थिति दिखाई गई है। हाँ बुद्धि की स्थिति दिखाई गई है, तो विष्णुपुरी में जाएंगे? जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, विष्णुपुरी है अभी इस दुनिया में, अरे इस दुनिया में विष्णुपुरी है, कौन कौन सी पुरी है, अरे कौन कौन सी पुरी है इस दुनिया में, है ब्रह्मापुरी है, सुनने सुनाने वालों की पुरी है, मारे ब्रह्मापुरी है, शंकरपुरी है, मनन चिंतन मंथन करने वालों की पुरी है, क्या समझने समझाने वालों की पुरी है, जिनकी बुद्धि मनन चिंतन मंथन करने में लगी रहती है, समझने समझाने में लगी रहती है, नई दुनिया की प्लानिंग में लगी रहती है, और बाहर की दुनिया की बातों में नहीं जाती, तो कहाँ की बात हुए, सूक्ष्म मतलब विष्णुपुरी कहाँ अभी है? ऐसा कोई पति और पत्नी है दुनिया में जिसमें कभी लड़ाई ना होती हो? अरे विष्णु जो पति पत्नी है लक्ष्मी नारायण है, उनमें लड़ाई होती होगी कभी? लक्ष्मी नारायण को ही विष्णु कहा जाता है, तो उनमें तो लड़ाई होती ही नहीं कभी, कहाँ कहाँ वो इस दुनिया में सही है? है है, जगत पिता जगदम्बा है, है? तो आए ये मेरा अभी विष्णुपुरी है ही नहीं, तो कहाँ से आना है, देख है तसल्ली रखो, माता पिता सब मिलेंगे, देख लो बाबा जो शिवेश्वर की माँ है, माँ है जी, उनको जो अपना आदर्श मान के चलते हैं, हाँ, तो जो उनको कभी देखे नहीं, देखे ही नहीं, आवाज भी नहीं सुना, आवाज नहीं सुना, फिर भी उनके साइड बहुत टचिंग होती है, खिंचाव होता है, खिंचाव होता है, ऐसा क्यों? हाँ क्यों, पूर्वजन्म का हिसाब किताब होगा तो हूँ, माता पिता का खिंचाव नहीं होगा, अरे पूर्वजन्म का हिसाब किताब होगा तो खिंचाव नहीं होगा, और पूर्वजन्म का हिसाब किताब नहीं होगा जिसका,
मुझे क्यों याद आएगी? लेकिन बाबा बिना देखे भी ऐसे हो जाता है। हाँ, बिना देखे भी ऐसे हो। देखा ब्रह्मा बाबा, किसी ने देखा है क्या? यहाँ कोई बैठा है यहाँ ऐसा जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा हो? खिंचाव होता कि नहीं? होता है। होता है तो पूर्वजन्म का हिसाब किताब है ना ब्रह्मा वाली सोल के साथ? कभी जन्म मनम लिया होगा कि नहीं होगा? प्यार लिया होगा कि नहीं लिया होगा? उनके साथ कोई संबंध जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा, तो याद भी आ। दुनिया में जो कुछ भी होता है, मतलब अच्छा हो बुरा हो, उसका बेसिक के मतलब बेसिक में भी चलता है, और बेसिक बेसिक में जो होता है उसका ये एडवांस में पहले होता है, उससे पहले बेसिक में होने के पहले, और सबका बीज तो एक ही है। ठीक है, तो क्या हुआ? तो लेकिन उनकी धारणा तो ऐसा तो नहीं दिखता कि सारी दुनिया का शूटिंग उस तरीके से हो जाए, मतलब बुरा हो या अच्छा हो। बीज के ऊपर तो डिपेंड होता है, बीज जैसा रहेगा वृक्ष भी तो वैसे होगा। धरणी का हिसाब नहीं होता है? धरणी कैसा? बीज अच्छे से अच्छा हो और धरणी पथरीली हो तो कुछ ऐसा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा? होगा ना करेगी, देखो अब उगेगा भी बहुत दिनों के बाद, जब वो पत्थर टूट टूट कर मिट्टी बनेगा तब कहीं उगेगा। वो तैयार होता ना, वो साफी कहाँ होगा? देख रहा हूँ ना, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। किसी ने तो बीज को ही पकड़ लिया। महाप्रश्न दिखा ना, पांडव का अज्ञातवास के बाद युद्ध होता है, अज्ञातवास के बाद युद्ध होता है, तो क्या हुआ? ब्राह्मण परिवार में कैसे माना शूटिंग होता है दुनिया में? इस दुनिया में किसी का अज्ञातवास है या नहीं है? किसका है? बाबा का है। तो फिर अज्ञातवास पूरा पूरा होगा तो लड़ाई नहीं शुरू होगी? फिर क्या बात बाबा, समझाओ बाबा। लड़ाई जो शुरू होगी ना तो उस टाइम तो कृष्ण वाले माना दिखाते हैं महाभारत में, कृष्ण तो पूरा पढ़ाई पढ़ करा था, इसका मतलब कृष्ण क्या माना कृष्ण पूरी तरह क्या पढ़ाई पढ़ चुका रहता है, पढ़ चुका रहता है, पढ़ा हुआ रहता है। जब महाभारत युद्ध शुरू होता है तो पूरी पढ़ाई पढ़ा रहता है, उनका पढ़ाई तो पूरी दिखाते है ना, पढ़ाई पूरी होने के बाद ही तो फिर लड़ाई होती है? नहीं, तुरंत लड़ाई नहीं होती, लेकिन पढ़ाई तो पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होगी पहले राम वाली आत्मा की कि पहले कृष्ण वाली आत्मा की? राम वाली। तो उसकी पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू होगी? नहीं, लड़ाई शुरू होगी जब फोर्स से कृष्ण वाली आत्मा धृतराष्ट्र पहले बनेगी कि कृष्ण बन जाएगी? क्या बनेगी? धृतराष्ट्र अंधा बन जाएगी। मैंने वो उस दुर्योधन जैसी आत्माओं को सपोर्ट करेगी? सपोर्ट करेगी बाबा। आज में सूर्यवंशी माँ का कुछ देखी नहीं है? आज के कहानी में सूर्यवंशी के माँ का कुछ देखी नहीं बताया। अच्छा, अभी तो वाणी तुमने सुनी ही नहीं। अब तक वाणी में तो बाबा ने बताया है कि तुम बच्चों ने दीदी दादी दादाओं की भी श्रृंगार किया है, तो इसे उन आगे आज भी श्रृंगार किया ही नहीं? सूर्यवंशी माना आदि में भी सूर्यवंशी माँ थी क्या? नहीं, अच्छा सूर्यवंशी पहले नहीं होते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सूर्यवंशी माँ माँ के रूप में माना ये थी या दूसरे कैसे भी रूप में हो थी, माना ये नहीं है कि सूर्य माँ के रूप में ही होना। जैसे बड़ी माँ छोटी माँ थे ना, तो उसी तरीके से सूर्यवंशी माँ जो अलग से थी। जो श्रृंगार करेगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? सूर्यवंशी माँ का दुनिया में माना सूर्यवंशी माँ के रूप में नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके। काशी नगरी का गायन ही नहीं है? सारे विद्वान पंडित आचार्य तो वहाँ काशी नगरी में ही नाटक करने जाते हैं। तेरे को नहीं होगा?
तेरी दृष्टि में नहीं है, लेकिन दुनिया के जितने पंडित विद्वान आचार्य सन्यासी हैं उनके लिए मान किस कौन सी नगरी का है? काशी नगरी का मान है। काशी नगरी सूर्यवंशी मान नहीं है, यही पता नहीं कि काशी नगरी ही सूर्यवंशी की मान है। बाबा ये सूर्यवंशी के हिसाब से नहीं है। हाँ चलो आगे बाबा, जो अर्थदेव जो बोला जाता है तो आदि में भी थे, लेकिन वो परिवार में थे या अलग से थे? मतलब राम वाले आत्मा के परिवार में थे प्रजापिता वाले? जो भी अच्छी और श्रेष्ठ आत्मा होगी अगर उसे भगवान मिलेगा तो उसका फर्ज क्या कहता है, पहले किसको बताए? परिवार वालों को बताए, जो नजदीकी है उनको बताए। घर का सुधार, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। नियम क्या है? पहले अपने घर वालों का सुधार, तो प्रजापिता वाली आत्मा को यज्ञ के आदमी को सच्चाई का पता चला तो पहले किसको बताएगी? पहले ब्रह्मा वालों को बताएगी नहीं? अच्छा, अब पहले अपने परिवार अपने नजदीकी होंगे अभी को बताएगी। ये बात ऐसा नहीं है तुरंत की तुरंत मैंने ब्रह्मा बाबा ने छोटी माँ के द्वारा एक मैंने प्रश्न रखा गया भागीदार सामने। तो ब्रह्मा छोटी माँ के ऊपर बड़ी माँ के ऊपर विश्वास कर लेगा? नहीं, छोटी माँ मैंने उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन हुआ कि ऐसा ऐसा मैंने साक्षात्कार का अर्थ बताया गया तो उस टाइम अर्थदेव भी साथ थे। मना त्रिमूर्ति थी, इसका मतलब त्रिमूर्ति को पहले त्रिमूर्ति को पहले पता चल जाता है ना? अब पहले पता तो चल जाता है त्रिमूर्ति को, लेकिन पूरा निश्चय भी तो बैठे। निश्चय एक को बैठता है या तीनों मूर्तियों को बैठ जाता है? दूसरे समझने का मौका चाहिए। उनकी कैटेगरी तीन मूर्तियों की एक जैसी है या ऊपर नीचे है? ऊपर नीचे है। शंकर की कैटेगरी नीचे है, विष्णु की कैटेगरी नीचे है, ब्रह्मा की कैटेगरी और नीचे है। वो कैसे समझेंगे? शंकर की कैटेगरी के जो होंगे उनके कुल के वो पहले समझेंगे। बाबा जो राम वाले आत्मा राजा भी बनती प्रजा भी बनती है, प्रजा में जो सौकर, लेकिन प्रजा बाबा ने बोला प्रजा बनना मना किसी का ऊपर प्रभावित होना, रामल यात्रा किसके ऊपर प्रभावित हुई थी? उस समय का नारायण होगा, उससे प्रभावित हुई होगी, तभी तो अपना धन दिया उसको। आठवा नारायण, आठवा जो नारायण होगा सत्युग का, उस नारायण को राम वाली आत्मा ने अपना सारा धन दे दिया, राजा ही चला दीजिए तो प्रभावित तभी वो प्रजा। लेकिन धन देने प्रभावित हुए बगैर प्रजा कैसे बनेगी? लेकिन प्रजा में भी अव्वल नंबर की प्रजा बनती है। ज्यादा धन दान करेगा तो अव्वल नंबर बड़ा साहूकार नहीं बनेगा? अरे जब भी प्रजा बनेगा तो उसी इसमें कैटेगरी में जाएगा बनेगा। हाँ ठीक है, प्रजा जो है कौन से युक्ति बताए तो राम राजा कौन से जन्म बनता है? पुराने तो है बाबा, ये बात है कि जो स्थापना करेगा वो विनाश भी करेगा और पालना मतलब पालना भी करेगा, तो जब द्वापर स्थापना करेगा तो विनाश भी करेगा पालना भी करेगा। आत्मा है, आत्मा स्थापना भी करती है पालना भी करती है और द्वापर में मना जैसे राजा बनता है तो वही पहले स्थापना करने के लिए भी निमित्त बनता है और उस जो स्थापना करने के लिए राज्य जो राज्य स्थापन करते हैं ना शुरुआत कर, जैसे बाबर मुसलमान इसमें
मतलब मुगल इसमें बोले जाते ना बाबर बाबर के द्वारा स्थापना, तो कलयुग की बात हुई, वही कलयुग की बात थी। उसमें फिर निमित्त भी वही आत्मा बनती है बाद में, मतलब विनाश करने के लिए भी, उसको बिगाड़ने के लिए राजा को। स्थापना में जो आगे होगा शूटिंग पीरियड में, जिस धर्म की स्थापना में आगे होगा वो वहाँ भी आगे होगा, जो स्थापना में आगे होगा सो पालना में भी आगे होगा, जो पालना में आगे होगा सो विनाश। नहीं बात क्या हुई, लेकिन पावर कहाँ बढ़ी जाती है, मतलब जब राजा स्थापन करते वही आत्मा ही शुरुआत करती है, मतलब उसको बिगाड़ने के लिए भी, जब दूसरी जन्म मतलब जब जन्म लेती है, जब तमो प्रधान बनेगा, जब मुगल धर्म तमो प्रधान बनेगा तब वही आत्मा, हाँ, नष्ट कौन करेगा, दुर्गुणों का विनाश कौन करेगा, जो स्थापन की है, जो स्थापना किया पालना किया शंकर ने बादंबर बाघ की खाल ओढ़ ली, माने उनका जो शरीर है, जो पार्ट बजाने वाला है शरीर के द्वारा, वो शरीर से एक्ट ऐसी करता है कि जैसे बाघ शेर की तरह एक्ट नहीं करता है, शेर सीधा हमला करता है, क्या ये नहीं देखेगा कि यहाँ खतरा है, मर जाएंगे, कोई कुछ कर देगा, नहीं, इधर से गोली आई चाहे कुछ भी हो जाओ, उधर ही हो सलांग लगा के हम धाड़ पाड़ मर मचा देगा, भले जान चली जाए, वो क्या करेगा। इसमें कौन सा फर्क लेगा, कौन सा अच्छा है, मना मौका अभी ठीक नहीं है, मौका ठीक नहीं, वो छुप इधर उधर से देखता रहेगा क्या हाल है अभी लोगों का, जब देखेगा इधर उधर बिखर गए बाहर से हमला कर देगा, मना उसका ख्याल अच्छा है, है? उसका मना जो चाल चलन जो है वो अच्छा, चाल चलन अच्छा, बाघ का चाल चलन अच्छा नहीं है, चालाक है, बुद्धू बना नहीं करता है क्या, लेकिन होशियार है ना, होशियार है, अपने को बचा लेता है ना, इसलिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन दिखाया जाता है, शेर नहीं, लाइन नहीं, टाइगर दिखाया, छोटे मुंह वाला होता है, क्या उसका माथा तो जबरदस्त है लेकिन देखने में छोटा आता है, और शेर का माथा देखने में बड़ा है लेकिन है बच्चा बुद्धि। अर्धनारीश्वर का जो बात होती है वो किसके लिए लागू होती है, अर्धनारीश्वर तेरे लिए भी लागू होती है, नहीं शिव और शक्ति की बात आती है, हाँ? पहले बोला जाता था कि ब्रह्मा मना ब्रह्मा वाली आत्मा माँ के रूप में एक ही तन में राम बाप और या शिव बाप जो नहीं है, एक तन में नहीं है, वही माना माँ के रूप में प्रवेश, माँ भी नहीं है उसमें काम करने वाली है, बाप नहीं काम करने वाला है, तो अर्धनारीश्वर नहीं हुआ, बाप दादा और अर्धनारीश्वर में कोई अंतर है, जो बाप दादा है वो अर्धनारीश्वर, लेकिन अभी माना थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, क्लैरिफिकेशन क्या चेंज हो गया, योगिनी माँ जो है योगीराज के साथ उनके लिए बोला गया कि अर्धनारीश्वर का पार्ट, उनके लिए बोला गया अर्धनारीश्वर के लिए बोला गया, अम्मा का पार्ट जो है वो अम्मा के रूप में कोई बजाएगा या बाप ही बजाएगा, रुद्रमाला की मणका में कोई मणका है जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर सकती है अम्मा के रूप में, सबसे पहले कौन है, प्रवेश के हिसाब से ब्रह्मा की सोल ही तो अर्धनारीश्वर में नारी है, तो किस बल के द्वारा कार्य करेगी, कौन सा मण का है जो नारी के रूप में विशेष सहयोगी बन सकता है, प्रैक्टिकल में चाहिए ना,
एक चित्र में ऐसे दिखाए गए अर्धनारीश्वर और एक तरफ मतलब शेर है, एक तरफ नारी की तरफ शेर है और पुरुष की तरफ बैल है, एक किन किन की याद है? अरे दो बैल है कि एक ही बैल है? एक ही बैल है, नहीं दो बैल तो दो है लेकिन उसमें एक ही दिखाई है। अरे गाड़ी में जब बैल जोते जाते हैं दो तो सस्ती रूपी गाड़ी जब चलती है तो दो बैलों से चलती है, एक बैल से? दो बैलों से, एक दायां और एक बायां। मैंने शेर का भी निशानी जो है शेर नहीं सिंह दिखाए हैं। एक एक बायां शेर है, एक बायां बैल है, जब उसको उसको चलाते हैं ना तो चलाने करते कैसे करते कैसे करते मतलब उसका स्पेशल आवाहन करते हैं। एक को करते वो कौन सा आवाहन जो लेफ्टिस्ट है वो टिक 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 बहुत करता है, जिंदगी में परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। अच्छा है परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन दिखाई दे रहा अपने को मोल्ड कर रहा है ना वो तो कर रहे, कौन मोल्ड कर रहा है? रुद्रमाला में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? रुद्रमाला में तो नहीं हो रहा लेकिन रुद्रमाला में नहीं तो उसमें भी नहीं होगा। उनका तो ध्रुव माना अपने निश्चय पर अटल है ना वो तो, निश्चय पर अटल होना एक अलग बात, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? अरे मतलब किस तरीके से ब्रह्मावाद जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता था लोगों को? अच्छा पहले ऐसे थे, पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, तो वो टिक टिक बहुत करता है, ज्ञान की टिक टिक बहुत करता है, वो हुआ टिक टिक लेफ्ट लेफ्ट बैल। और जो आ आ आ सब बुलाते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा को बुलाते कि नहीं है? अभी भी बुला रहे हैं तो आ आ आ राइट ईयर में गाड़ी है सस्ती रूपी गाड़ी, ये ब्राह्मणों की सस्ती रूपी गाड़ी है, ये दो बैलों की जोड़ी है। क्या कांग्रेस पार्टी में शुरुआत जब कांग्रेस बनी तो क्या था निशान? दो बैलों की जोड़ी है। तो पार्वती की तरफ है शेर, कैसा शेर? छोटे मुंह वाला या बड़े मुंह वाला? बड़े। तो कौन है? बड़े मुंह वाला अभी प्रजापिता हो गया, बड़े मोहड़े वाला सीधा साधा होता है क्या, लेकिन शेर दिल होता है। और जो छोटे मुंह वाला है और सीधा साधा नहीं होता है, स्वभाव स्वभाव से तिकड़म ही होता है, चालाक होता है, देखे काफी छोटा है, बाबा जो घर में मान लो लड़े समझ में आपस में उलझ रहे हैं तो बोलना चाहिए नहीं? जैसे परिवार में मान लो आपस में दो लड़ रहे हैं तो उसमें उनको बोलना चाहिए कुछ नहीं? परिवार में कौन लड़ रहे हैं? भाई बहन लड़ रहे हैं कि पति पत्नी लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहे हैं? मतलब जैसे आपस में बाप बेटे लड़ रहे हैं कि बाप बेटी लड़ रही, कौन लड़ रहे हैं? वही परिवार में हो गए, फिर वही परिवार में हो गए, पति पत्नी लड़ रहे हैं, पति पत्नी की लड़ाई में हमें थोड़ा टांग अड़ाना चाहिए? पति पत्नी की लड़ाई में हम क्यों टांग अड़ाएं? हाँ माँ बेटी है, बाप बेटा है, उसमें ठीक गलती है तो बताओ। है माई बेटी लड़ाई है सरकार का करी, माँ बेटी में बोली तो डांट सुनी, माँ बेटी में महाकाली के रूप में ब्रह्मा ही पांच बजे थे ना, महाकाली के रूप में ब्रह्मा ही पांच बजाते हैं ना, ठीक है, उसका जो पूज्य रमणा जो भी मिलता है वो
मतलब ब्रह्मा ही जो ब्रह्मा जो पास बजाते हैं ना महाकाली के पास तो ब्रह्मा बजाते हैं हाँ? लेकिन उसका असर तो त्रिशोला के ऊपर पड़ता है मतलब हाँ? ये भी तो ये हिसाब किताब के आधार पर पड़ता है हिसाब किताब है करो पूरा बारह भुगता मैंने आखिर ऐसा कैसे कौन सी हिसाब किताब है बाबा ब्रह्मा और उस स्त्री चोले में हाँ उसे पुरुष बोले कभी कभी अत्याचार किया होगा ऐसा जगदम्बा पुरुष बनकर अत्याचार नहीं कर सकती फिर नौ बजने वाले हैं यहाँ से क्या बजे निकलना है साढ़े नौ निकलना है तो चाहूँ कि बैठ गए ये नहीं उठी नहीं